प्लीज यार टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा, वो लोग सचमुच आ गए यहाँ पे। उम्मीद तुमने वो स्टोरी सुनी है, लाइन आया और एक दिन वो शेर आ ही जाता है। तुम सोचो कि तुम्हारी कहानी में ये शेर आ गया। उम्मीद को शेर भगाना भी आता है। शक्ल अपनी देखो, पूरी भीगी बिल्ली लग रही हो। और शेर यहाँ से उठ के चले जाओ वरना मैं एक्चुअली में तुम्हें पकड़ूंगी। और व्हाट, यू आर क्रेजी, यू आर क्रेजी, आई एम क्रेजी, स्टॉप इट, स्टॉप इट उम्मीद। क्या हंगामा मचा रखा है, जब देखो शोर हंगामा। क्या माजरा है उम्मीद, क्यों इतना शोर कर रही हो तुम? अंदर मेहमान आए हुए हैं। अरे कोई मुझे अंदर लेकर जाएगा या वहाँ लड़के के साथ सारे मामला उन लोगों ने अकेले ही तय कर लेने हैं? आगे जान, अगर आपको अंदर ही जाना था बाहर क्यों आई है? चुप कर जाओ तुम, मुझे अंदर लेकर चलो। अभी लेकर जाता। आज उम्मीद 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 अब तुम क्या करोगी? मैं जा रही हूँ उन मेहमानों के सामने और सबके सामने इनकार कर दूंगी इस रिश्ते से। अगर तुमने ऐसा किया तो पाशा साहब तुम्हें आज ही रुखसत कर देंगे। सुन ले, ऐसी कैसे रुखसत कर देंगे? मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी रुखसत ही नहीं हो सकती, और ये काम मुझे ही करना होगा। अच्छा, और अगर हो गया ऐसा तो? तो देख लूंगी उम्मीद। कहाँ जा रही हो? नहीं चाची, मैं क्यों कहीं जाऊंगी, मैं तो मेहमानों को देख रही थी कि वो आए हैं कि नहीं आए क्या अभी तक। बेटा मेहमान तो कब के आ चुके हैं, बताया नहीं किसी ने। तुम जाकर तैयार हो, पाशा साहब ने कहा है तुम्हें तैयार करके ड्राइंग रूम में ले आए। चाची प्लीज, शादी के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना, प्लीज ताला खोल दें। अंदर जाती हो, पाशा साहब को बुलाओ। चाची प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। उतारूं जूता? हाँ चाची, तहजीब लिहाज इखलाक नाम की कोई चीज होती है, खत्म हो गए क्या आप में? तहजीब? अच्छा ना चाची, गेम शो में जाऊंगी तो आपके 30,000 डबल करके दूंगी, बहुत सारे पैसे आएंगे। अरे जा जाओ, ये सारे गेम ना अपने ससुरालियों से खेलना, आप जाओ तैयार हो। ओके। ये तो वही तारीखी जोड़ा है उम्मीद, जो आगू जान ने तुम्हारी अम्मी को दिया था उनकी मंगनी पर, और अब तुम्हारी मंगनी पर तुम्हें देंगे। मेरी मंगनी? भाई ये मंगनी कहाँ से आ गई है? अभी तो रिश्ते की बात हो रही थी ना, मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों मुझसे ना कुछ छुपा रहे हो, मेरे खिलाफ इस घर में साजिश चल रही है ना। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पाशा साहब को तुम्हारी दिमागी हालत पर शक हो गया है। तुम तो चुप ही करो, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया है? तूने क्या किया है? हाँ। अगर उस दिन तुम पाशा साहब को ना लेकर आते ना वहाँ पर, तो ये सारा फसाद ना शुरू होता। और क्या? What else you want me to do? चुप, बस को लड़ना, जाके बैठो तुम।